इस बार की सबसे बड़ी खबर निकल कर आया है जेपी यूनिवर्सिटी के सभी स्टूडेंट्स के लिए 2018-21 के जितने भी छात्र इस वीडियो को देख रहे हैं सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही बड़ी अपडेट जारी कर दी गई है विश्वविद्यालय की तरफ से, एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट की तरफ से। अभी अभी एग्जाम फॉर्म और परीक्षा को लेकर 18-21 के छात्रों के लिए बहुत ही बड़ा फैसला लिया गया है। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में लाइव प्रूफ बताएंगे, सारी जानकारी आपको लाइव प्रूफ देंगे। वीडियो को देख रहे हो तो फटाफट लाइक कर दो, जितने भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हो फटाफट अपने मोबाइल फोन का गूगल ओपन कर लो। यदि अगर आप इस वीडियो को मोबाइल फोन, लैपटॉप या कंप्यूटर से देख रहे हो तो कोई बात नहीं, गूगल ओपन कर लीजिए और सर्च बॉक्स में टाइप कर दीजिए jpbadmission.org, लिखकर आपको सर्च कर देना है। जैसे लिखकर सर्च करेंगे दोस्तों, एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट की तरफ से जो अभी अभी न्यू नोटिफिकेशन जारी किया गया है एग्जाम फॉर्म और परीक्षा को लेकर, यह इस बार की सबसे बड़ी अपडेट जारी की गई है। दोस्तों अधिकारियों ने सभी स्टूडेंट्स को फिर से एक मौका दिया है, सभी छात्रों को, जितने भी छात्र थर्ड ईयर वाले हैं उनको मैं बताना चाहूंगा कि आप लोगों को एग्जाम फॉर्म भरने का एक बार फिर से मौका मिल चुका है। दोस्तों मैं आप लोगों को यह भी बता दूं कि जिन छात्रों ने अभी तक एडमिशन नहीं लिया है, 18-21 के स्टूडेंट्स अपने अपने कॉलेज में एक बार जाकर संपर्क जरूर करें, क्योंकि अगर आप लोग एक बार कॉलेज में जाकर संपर्क कर लेते हैं तो आप लोगों का जो डाउट है क्लियर हो जाएगा। जिन छात्रों का एडमिशन नहीं हुआ है उनके बारे में बोला जा रहा हूं, जैसा कि अगर जिन छात्रों का एडमिशन हो चुका है थर्ड ईयर में तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, अगर नहीं हुआ है तो एक बार कॉलेज जाकर संपर्क जरूर करें, आपके कॉलेज में एडमिशन की प्रक्रिया चल रही है, ठीक है। अब यहां पर बात कर लेते हैं एग्जाम फॉर्म को लेकर क्या सूचना निर्धारित किया गया है। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि यदि अगर आप लोग चैनल को ज्वाइन नहीं किए हो तो सब्सक्राइब करके ज्वाइन कर लो, चैनल को आने वाली सभी जुड़ी जानकारी जेपी यूनिवर्सिटी द्वारा आपको सबसे पहले मिलता रहेगा। तो दोस्तों यहां पर सवाल यह है कि एग्जाम फॉर्म कब से भरा जाएगा, और बात कर लेते हैं जितने भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, स्टूडेंट्स का सवाल है कि सर परीक्षा भी कब से होगा, इसके बारे में भी बताएं जरूर सभी स्टूडेंट्स को। दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि अब आप लोगों का एग्जाम फॉर्म जो है 7 अप्रैल से शुरू हो जाएगा, 7 अप्रैल से एग्जाम फॉर्म जो है आप लोगों का शुरू हो जाएगा सभी स्टूडेंट्स का। जी हां दोस्तों, 7 अप्रैल से यानी 7 तारीख से अगले महीने से स्टार्ट हो जाएगा एग्जाम फॉर्म। ये एग्जैक्टली फाइनल डेट है दोस्तों, आप सभी स्टूडेंट्स के लिए फाइनल डेट है, क्योंकि इस बार जो है मार्च में सेशन 2020-23 के छात्रों का एग्जाम फॉर्म भरा जाएगा, तो आप लोगों का एग्जाम फॉर्म अप्रैल में शुरू होगा, ध्यान रखें। बात कर लेते हैं वहीं पर परीक्षा को लेकर, तो दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों का 4 या 5 मई को जो है एग्जामिनेशन रूटीन जारी किया जाएगा, एग्जाम का रूटीन जो है 4 या 5 मई को जारी हो जाएगा। यहां पर विश्वविद्यालय की तरफ से आप लोगों को बता दूं कि एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट की तरफ से अधिकारियों द्वारा सूचना मिला है, लगातार प्रयास जारी है। जी हां दोस्तों, अधिकारियों द्वारा लगातार प्रयास जारी है, यह सूचना कल शनिवार को ही मिल गया था। आपको बता दूं मैं कि आज रविवार है, संडे है, जिसको लेकर विश्वविद्यालय के बहुत सारे अधिकारी जो है छुट्टी पर हैं, लेकिन आपको बताना चाहूंगा कि यह जो सूचना जो है, यह जानकारी शनिवार सैटरडे को ही मिल गया था, और यहां पर आज यह वीडियो बनाया जा रहा है, कुछ तकनीकी समस्याओं के कारण जो है वीडियो कल को नहीं प्रोवाइड करा पाए, ठीक है, लेकिन यहां पर आज वीडियो प्रोवाइड करा रहे हैं। तो आप लोगों को बता दूं मैं सभी स्टूडेंट्स को कि यह सूचना एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट की तरफ से कल को ही मिल गया था, और मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि आप लोगों का जो है एग्जाम फॉर्म जो है अप्रैल में भरा जाएगा 7 अप्रैल से, ठीक है। अब वहीं पर बात कर लेते हैं, एग्जामिनेशन रूटीन की बात हुई है कि 4 या 5 मई को जारी कर दिया जाएगा, परीक्षा का फाइनल डेट जारी नहीं हुआ है, लेकिन रूटीन के हिसाब से समझ लीजिए कि आप लोगों का परीक्षा जो है मई में ही जारी किया जाएगा, ठीक है, मई में आप लोगों का परीक्षा जो है ले लिया जाएगा सभी स्टूडेंट्स का। वीडियो को आप लोग सभी निजी फ्रेंड दोस्तों को शेयर जरूर करना, चैनल पर न्यू जरूर तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों, आने वाली सभी जुड़ी जानकारी का वहां पर बात करेंगे। दोस्तों यहां पर देख सकते हैं हमारा ये टेलीग्राम ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन नहीं हुए तो फटाफट ज्वाइन हो जाओ, सभी नोटिफिकेशन टेलीग्राम ग्रुप में सबसे पहले डाला जाता है, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। दोस्तों यहां पर बहुत सारे टेलीग्राम ग्रुप में मेंबर जुड़े हुए हैं, आप भी फटाफट टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो जाइए। दोस्तों यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि टेलीग्राम ग्रुप में एक नहीं हजारों मेंबर जुड़े हुए हैं, आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें, टेलीग्राम ग्रुप में जैसे ही जुड़ेंगे तुरंत आपको नोटिफिकेशन के साथ इंफॉर्मेशन मिलता रहेगा। यहां पर मैं आपको दिखा देता हूं, यहां पर आप लोग देख सकते हैं पीएचडी प्रवेश परीक्षा की आंसर की यहां पर आप लोगों को देख सकते हैं जारी कर दिया गया है, जो यहां पर पीडीएफ में डाल दिया गया टेलीग्राम ग्रुप में, ठीक है। इसी तरह सभी नोटिफिकेशन टेलीग्राम ग्रुप में डाला जाता है। राजेंद्र कॉलेज छपरा में वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन होने जा रहा है, जिसको लेकर यहां पर टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिया गया, ठीक है, आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, सभी नोटिफिकेशन टेलीग्राम ग्रुप में आपको मिलता रहेगा। दोस्तों
यदि अगर आपके भाई अगर आपके छोटे भाई हैं या आपके रिलेशन में कोई छोटे हैं, अगर बिहार बोर्ड के छात्र हैं मैट्रिक इंटर के, तो उनको भी बताओ इस चैनल को ज्वाइन कर ले। बिहार बोर्ड से जुड़ी इस चैनल पर पूरी इंफॉर्मेशन डाली जाती है, तो बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स को भी बताओ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। अब यहाँ पर चलिए, आप लोगों को पूरी जानकारी मैं 18-21 के छात्रों को दे चुका हूँ। चैनल पर नहीं उतर हो तो जरूर आप लोग इस वीडियो को अपने अपने दोस्तों को शेयर भी करो, और आप लोगों को किसी भी तरह की कोई भी जानकारी पूछना हो तो नीचे मैसेज करके भी जरूर पूछ लीजिएगा, सारी जानकारी आपको मिल जाएगा। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय वंदे मातरम।